आपने अक्सर यह सुना होगा कि पैसा हो तो क्या नहीं खरीदा जा सकता, पैसा हो तो बेहतर शिक्षा हासिल की जा सकती है, पैसा हो तो महंगे अस्पताल में बेड खरीदा जा सकता है। यहां तक यह भी कहा जाता है कि अगर पैसा हो तो खुशियां भी खरीदी जा सकती है। लेकिन मुसीबत तब होती है जब हमारे देश में पैसों के दम पर सिस्टम को खरीदा जाने लगता है। आज हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि बीते 19 मई को पुणे में रात 2:30 बजे एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया। पुणे हिट एंड रन केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 18 और 19 मई की दरमियानी रात पुणे में एक रईस जादे ने अपनी 2.5 करोड़ की पोर्शे गाड़ी से दो होनहार जिंदगियों को रौंद दिया। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई कार ने बाइक सवार दो आईटी इंजीनियर्स की जिंदगी को छीन लिया। और करीब एक महीने बाद राजस्थान के उदयपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें आंखों के सामने तैर रही हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त जो आपको नजर आ रही हैं, इन दोनों की टाइमिंग भी कुछ एक जैसी है। राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने पहले बाइक सवार एक युवक को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे खड़े हुए दो लोगों को रौंद डाला। इसके बाद चार ठेले और 5 टू व्हीलर को भी टक्कर मारते हुए ये गाड़ी आगे निकल गई। ब्लैक कलर की ये ऑडी कार जिसमें 3 युवक सवार थे। घायल हुए लोगों में एक डीआईजी का बेटा भी शामिल है। एसीबी के डीआईजी राजेंद्र गोयल के बेटे समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना माली कॉलोनी रिंग रोड की है। जानकारी के मुताबिक ऑडी कार में सवार युवकों ने तेज आवाज में गाने बजा रखे थे, म्यूजिक सुन रहे थे। चश्मदीद ये भी बताते हैं कि कार सवार नशे में धुत थे। यह हादसा इतना भयानक था कि ऑडी कार के आगे का हिस्सा अलग हो गया। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक को घसीटती लेकर चली गई। कुछ लोगों ने तो भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और इस घटना के वक्त जो लोग मौजूद थे उनमें से एक युवक बाल बाल बच गए। जो कुछ भी उनकी तरफ से बताया गया वो हैरान करने वाला है। ठीक है, वो आया यहाँ से उसे खींचता खींचा वो पुलिया तक लेके गया। ओके, मेरी गाड़ी कोई टूटी हो उसे करके आया। ये एक लाइन वालों के लगे थे, मेरे मैं जान ही रहा मैं से कहां तक। चौक चौराहों सड़क हाईवे पर आए दिन हादसे होते हैं, रोड रेज की घटनाएं बड़ी हैं, लेकिन सबक शून्य। पुणे पोर्शे केस में नाबालिग आरोपी ने 2 लोगों को रौंद डाला। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्ठा और उनके दोस्त अनीस की मौत हो गई। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्शे कार को नाबालिग लड़का चला रहा था। और उदयपुर हिट एंड रन मामले में भी ऑडी कार की स्पीड 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। पुणे हिट एंड रन कितना जघन्य अपराध था इसको लेकर पिछले कुछ दिनों कई तस्वीर साफ हुई और नाबालिग आरोपी समेत उसके पिता दादा समेत डॉक्टर से लेकर 10 से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे, यानी कि वो सब लोग जिन्होंने इस अमीर जादे को बचाने की कोशिश की। हालांकि उदयपुर केस में अब तक कार सवार युवकों की पहचान नहीं हो पाई है और वो भी उम्मीद ये है कि जल्द सलाखों के पीछे होंगे।